नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते दिन भर की बड़ी 25 खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 7 चरणों में होगा चुनाव। 19 अप्रैल को पहला चरण, 4 जून को आएंगे नतीजे। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 13 मई को होगा विधानसभा चुनाव। 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मतदान, 4 जून को होगी वोटों की गिनती। तेलंगाना के नागार कुरनूल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सार्वजनिक सभा को पीएम ने किया संबोधित। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को मिली राहत, अदालत ने 15,000 के निजी मुचलके पर दी जमानत। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिन्हा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी का आगाज, भारतीय जनता पार्टी में हुई शामिल। मुंबई पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान के भूमि पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने शरद पवार से की मुलाकात, रमेश चेन्नीथला और बाला साहब थोराट भी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरी वाईएसआर कांग्रेस, सभी 25 सीटों पर जारी की उम्मीदवारों की सूची। घाट लोधिया क्षेत्र कार्यालय में गांधीनगर संसदीय सीट का उद्घाटन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में हुए शामिल। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के ओएसडी बने आईएएस अभिमन्यु, मनोहर लाल के रहे हैं पर्सनल सेक्रेटरी। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में इफ्तार पार्टी, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। मुरादाबाद के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी बोले 7 वर्ष में यूपी में 3 गुना बढ़ी पुलिस की क्षमता। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बीच पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 आईएएस 13 पीसीएस का हुआ ट्रांसफर। जम्मू कश्मीर में नई जनजातियों के लिए 10% आरक्षण, ओबीसी आरक्षण 8% करने को मिली मंजूरी। बिहार में 2 बड़े बालू कारोबारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, बालू कारोबारी कृष्ण मोहन सिंह के ठिकानों पर छापेमारी। मैनपुरी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, जमीनी विवाद के पैमाइश करने गए राजस्व टीम के सामने मारपीट। अमेठी पहुंचे केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी, जिला पंचायत संसाधन केंद्र के आशा सम्मेलन में लिया भाग। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को लगी गोली, गोली लगने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बिजनौर में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, डिलीवरी के दौरान महिला की हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया 2500 रुपए मांगने का आरोप। बीआरएस एमएलसी के कविता को ईडी ने किया गिरफ्तार, तेलंगाना बीआरएस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रसार भारती में हुआ बड़ा बदलाव, यूपी कैडर के आईएएस नवनीत कुमार सहगल को बनाया गया नया अध्यक्ष। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 पूर्व मंत्रियों और 3 पूर्व विधायकों सहित 25 कांग्रेस नेता भाजपा में हुए शामिल। 13 गेंदों में पलटा डब्ल्यूपीएल का एलिमिनेटर मुकाबला, मुंबई इंडियंस ने जीती हुई बाजी हारी, आरसीबी को मिला टिकट टू फिनाले। तबू करीना और कृति की अदाओं ने बढ़ाया पारा, क्रू का होश उड़ाने वाला टीजर हुआ जारी। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।